बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रीमती रागिनी अवस्थी, सहायक कार्यक्रम समन्वयक समग्र शिक्षा रायपुर। तो आज हम छत्तीसगढ़ भारती के कक्षा छठवीं विषय हिंदी, इसके अंतर्गत पाठ 17, इसका शीर्षक है बच्चों नीति के दोहे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोग को नीति का अर्थ बताती हूँ। तो बच्चों नीति कहते हैं लोक व्यवहार या बर्ताव का ढंग या व्यवहार का ढंग। तो इसी से संबंधित ये दोहे हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो दोहा आप पढ़ने जा रहे हैं वो है तुलसीदास जी द्वारा रचित, रहीम जी द्वारा रचित और कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नीति के इन दोहों में मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय तथा छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है और एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नीति के इन दोहों में मीठी वाणी, मीठी वाणी यानी कि हमको मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मुखिया के महत्व कि परिवार में जो मुखिया है उसको कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। संतोष रूपी धन की महत्ता कि सभी धन से बढ़कर के कौन सा धन होता है, संतोष रूपी धन होता है, तो उसकी महत्ता बताई गई है। परोपकार, हमको परोपकार करने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। कुसंगति का प्रभाव और कुसंगति अर्थात बुरी संगति का जीवन में क्या प्रभाव होता है ये बताया गया है। समय तथा छोटी वस्तुओं की उपयोगिता कि समय की महत्ता एवं छोटी छोटी चीज़ों की क्या उपयोगिता होती है हमारे जीवन में, इसके बारे में बताया गया है। और अति के दुष्परिणामों को, किसी भी चीज़ की अति यानी होता है अधिकता, तो किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती, उसके दुष्परिणाम ही होते हैं। इन सब बातों को इन दोहों के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं नीति के दोहे। तो आइए देखते हैं हम तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर। तो बच्चों इस दोहे को समझने से पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। उपजत, उपजत यानी होता है उत्पन्न होना। परिहरि, परिहरि का मतलब होता है त्याग करना। तो इन दोहों में सबसे पहले हम देख लेते हैं संदर्भ। संदर्भ, प्रस्तुत दोहा नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित है और इस दोहे के रचनाकार तुलसीदास जी है। प्रसंग, बच्चों प्रसंग यहाँ पर यह होगा कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने मीठी वाणी की महत्ता को बताया है। तो देखते हैं व्याख्या। तुलसी मीठे वचन ते, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठे वचन से, मीठे वचन यानी मीठी वाणी बोलने से सुख उपजत चहु ओर, चारों ओर, चहु ओर यानी चारों ओर, सुख उपजत, उपजत यानी होता है उत्पन्न होना। तो मीठी वाणी बोलने से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। वशीकरण यह मंत्र है परिहरि वचन कठोर, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठी वाणी जो है वशीकरण का अर्थात किसी को भी अपने वश में करने का एक मंत्र ही है परिहरि वचन कठोर। इसलिए बच्चों हमको अपने जीवन में कठोर वचनों का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, वह मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि वो सुनने वाले को भी मीठी वाणी बहुत अच्छी लगती है और हमको बोलने वाले को भी मीठी वाणी बहुत अच्छी लगती है और इससे दोनों को, सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है और बोलने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है। आगे का दोहा देखते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो पहले देख लेते हैं बच्चों शब्दार्थ। पाले पोषे यानी होता है पालन पोषण करने वाला। मुखिया, मुखिया कहते हैं घर का प्रमुख। तो पहले देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत दोहा नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित है। इस दोहे के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तो आइए यहाँ पर अब प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग ये है कि कवि के अनुसार मुखिया को मुख के समान विवेक वाला होना चाहिए। तो बच्चों आइए देखते हैं इसका भावार्थ कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुखिया को मुख के समान विवेकशील होना चाहिए। जिस प्रकार से हम भोजन मुख से ग्रहण करते हैं लेकिन वो भोजन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का क्या करता है, पालन पोषण करता है, प्रत्येक अंग को वो समान रूप से भोजन मुख जो है वो दे देता है, ठीक उसी प्रकार से अगर परिवार का जो मुखिया है वो विवेकशील होगा तो परिवार के सभी सदस्यों का समान रूप से वो क्या करेगा, ध्यान रखेगा।
अगला दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेह। तो बच्चों पहले देख लेते हैं हम शब्दार्थ। कंचन, कंचन कहते हैं सोना को। मेह, मेह यानी होता है बादल। तो देखते हैं इसका संदर्भ। संदर्भ ये रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग ये है कि कवि के अनुसार जहाँ पर पहुँचने से प्रसन्नता नहीं हो रही है ऐसे स्थान पर मनुष्य को कभी नहीं जाना चाहिए। तो अब देखते हैं भावार्थ। आवत ही हर्षे नहीं, आवत ही, आवत यानी आते ही का मतलब होता है हृदय। हर्षे नहीं, हर्षे यानी प्रसन्न नहीं होना, प्रसन्न होना। नहीं यानी नहीं। नयनन नहीं स्नेह, नयनन यानी नेत्रों में, नहीं स्नेह, स्नेह यानी प्रेम व्यवहार। तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेह, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर हम कहीं किसी के घर जाते हैं और जिसके घर हम जा रहे हैं अगर उसके हृदय में हमारे जाने से खुशी उत्पन्न नहीं हो रही है, उसके नेत्रों से स्नेह नहीं छलक रहा है, उस स्थान पर सोने की ही वर्षा क्यों ना हो रही हो लेकिन कभी भी मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। आइए देखते हैं अगला दोहा। तुलसी संत सुअंब तरु फूली फल ही परहेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। तो पहले देख लेते हैं हम शब्दार्थ। सुअंब, सुअंब कहते हैं मीठे आम के पेड़। पाहन, पाहन का तात्पर्य है पत्थर। हनत, हनत यानी मारना। तो सबसे पहले देखते हैं संदर्भ। बच्चों संदर्भ यहाँ पर ये होगा, प्रस्तुत दोहा नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता तुलसीदास जी है। प्रसंग, प्रसंग यहाँ पर ये है कि तुलसीदास जी संत और मीठे आम के पेड़ की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि मीठे आम का पेड़ चाहे उसको पत्थर भी मारो तो वो क्या देता है, मीठा फल ही देता है। उसी प्रकार से संत भी हमारा उपकार ही करते हैं। देखते हैं भावार्थ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत पुरुष उस मीठे आम के पेड़ की भांति होते हैं जो आम का वृक्ष दूसरों का उपकार करने के लिए ही फलता फूलता है। ठीक उसी प्रकार से लोग धरती से आम के पेड़ की ओर पत्थर फेंकते हैं लेकिन उसके बाद भी आम का पेड़ हमको मीठा फल देता है। ठीक उसी प्रकार से इस धरती पर, इस दुनिया में संत पुरुष जो हैं उनका हम चाहे कितना भी अपमान कर ले, लोग उनका कितना भी अपमान कर ले लेकिन वो हमेशा जन कल्याण का ही सोचते हैं। अगला दोहा देखते हैं जो रहीम कवि के द्वारा रचित है। तरुअर फल नहीं खात है सरवर पिय ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। सरवर, सरवर कहते हैं तालाब को। संचही, संचही यानी इकट्ठा करना। सुजान, सुजान यानी ज्ञानी। तो संदर्भ यहाँ पर होगा, प्रस्तुत दोहा नीति के दोहे पाठ से अवतरित है, इसके कवि रहीम जी हैं। तो प्रसंग ये है इस दोहे में रहीम कवि ने परोपकार के महत्व को बताया है। तो आइए देखते हैं हम भावार्थ। तो भावार्थ ये है कि तरुअर फल नहीं खात है, रहीम कवि कहते हैं कि जो वृक्ष है वो अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर पिए ही न पान, और जो तालाब है वो भी अपने जल का ही पान नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजान। तो इस संसार में जो सुजान अर्थात जो ज्ञानी पुरुष है वो पर काज के लिए, परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति का क्या करते हैं, वो संपत्ति का वो संचय करते हैं और उसको परोपकार के कार्य में लगा देते हैं। चलिए अगला दोहा देखते हैं। रहीमन देख ही बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तो बच्चों पहले देख लेते हैं हम शब्दार्थ। बड़ेन, बड़ेन का तात्पर्य है बड़ा। लघु, लघु यानी छोटा। तो देखते हैं संदर्भ। संदर्भ यहां पर ये होगा कि प्रस्तुत दोहा नीति के दोहे पाठ से अवतरित है और इसके कवि रहीम जी हैं। प्रसंग, यहाँ पर प्रसंग ये होगा बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि जो छोटे लोग हैं उनकी महत्ता को बता रहे हैं। तो देखते हैं इसका भावार्थ। रहीम कवि कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो बच्चों इस संसार में जिस प्रकार बड़े व्यक्ति का महत्व है ठीक उसी प्रकार से छोटे व्यक्ति का भी उतना ही महत्व है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए रहीम कवि सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जिस जगह में सुई काम आती है वहां पर तलवार का कोई काम नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला दोहा देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग।
तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। उत्तम, उत्तम कहते हैं बहुत अच्छा। भुजंग, भुजंग यानी होता है सर। तो देख लेते हैं संदर्भ। संदर्भ यहाँ पर ये होगा कि प्रस्तुत दोहा रहीम कवि द्वारा लिखित है और ये हमारे पाठ नीति के दोहे से अवतरित है। तो बच्चों प्रसंग यहाँ पर यह है कि प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि ने संगति के महत्व को बताया है। तो देखते हैं हम अब भावार्थ। रहीम कवि कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि जो व्यक्ति उत्तम चरित्र का होता है, उत्तम प्रकृति का होता है, अच्छे व्यवहार का होता है, उसके ऊपर कुसंगति का कोई भी असर नहीं होता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में, चंदन के वृक्ष में खुशबू बहुत आती है, तो उस खुशबू के कारण उस चंदन के वृक्ष में बहुत सारे सांप जो हैं वो लिपटे रहते हैं, लेकिन वो जो सर्प है वो अपनी विष का, अपने विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं डाल पाते। उसी प्रकार से अच्छी संगति, बुरी संगति जो है वो अच्छे मनुष्य के ऊपर प्रभाव नहीं डाल। आइए देखते हैं अगला दोहा। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठ लय है लोग सब बांटी न लय है कोई। तो देखते हैं शब्दार्थ। व्यथा, व्यथा कहते हैं पीड़ा को या दर्द। निज, निज यानी होता है अपना। तो बच्चों यहाँ पर प्रसंग ये है कि रहीम कवि अपने मन की व्यथा अर्थात दुख को अपने मन में ही रखने की बात कह रहे हैं। आइए देखते हैं भावार्थ। भावार्थ ये है, रहीम कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन की व्यथा अर्थात दुख को अपने मन में ही रख लेनी चाहिए। क्यों रख लेनी चाहिए? क्योंकि सुनी इठ लय हैं लोग सब, अगर हम अपने मन के दुख को अगर किसी से बांटते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हमारी हंसी उड़ाने लग जाते हैं सुन करके। बांट न लय हैं कोई, और कोई भी उसको बांटता नहीं है, इसलिए अपने दुख को मन में ही रख लेनी चाहिए। अगला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो बच्चों देखते हैं शब्दार्थ। परलय, परलय कहते हैं प्रलय को। बहुरी, बहुरी यानी होता है पुनः। तो इसका संदर्भ भी वैसा ही रहेगा। तो बच्चों इस दोहे में प्रसंग ये है कि रहीम कवि कल के काम को आज ही कर लेने का उपदेश वो दे रहे हैं। तो देखते हैं इसका भावार्थ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रहीम कवि कह रहे हैं कि जो काम कल का है उसको हमको कब कर लेनी चाहिए, आज ही कर लेनी चाहिए। आज करे सो अब, और जो आज का काम है उसको अभी तुरंत ही कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, अर्थात ये संसार जो है वो कैसा है, नाशवान है। ये संसार क्षण भंगुर है, एक ही क्षण में, एक ही पल में मृत्यु हो जाएगी, तो उस कार्य को कब करोगे, से अच्छा जो कार्य है उसको तुरंत ही कर लेनी चाहिए। अगला दोहा देखते हैं। माला तो मन में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं याद करना। कर, कर यानी होता है हाँ। तो यहाँ पर संदर्भ ये है, प्रस्तुत दोहा रहीम के दोहे नामक पाठ से अवतरित है, इसके कवि कबीरदास जी हैं। आइए देखते हैं प्रसंग। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी धार्मिक ढोंग को व्यर्थ बताया है। तो आइए देखते हैं भावार्थ। भावार्थ ये है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला लो कर बे फिरे, मनुष्य क्या करता है, ईश्वर का स्मरण करने के लिए हाथ में माला जपते रहता है। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ से अपने मुख से भी कुछ ना कुछ वो बोलते रहता है। मनुआ तो चहु दिसी फिरे, मनुष्य का मन बहुत चंचल है, वह सभी दिशाओं में इधर उधर भटकते रहता है, घूमते रहता है। तो ये जो मन का भटकना जो है वो भगवान को याद करना या सुमिरन करना नहीं है। आगे का दोहा देखते हैं। अतिका भला न बोलना, अति की भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो आइए देख लेते हैं हम पहले शब्दार्थ। अति, अति कहते हैं अत्यधिक को। चूप, चूप याने चुप रहना। तो बच्चों संदर्भ यहाँ पर ये होगा कि प्रस्तुत पद नीति के दोहे पाठ से अवतरित है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग, आइए देखते हैं प्रसंग। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से, इन दोहे के माध्यम से कबीरदास जी अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती इस बात को वो बता रहे हैं। आइए देखते हैं भावार्थ। कबीरदास जी दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि अति का भला ना बोलना, किसी भी चीज की अधिकता जो है वो अच्छी नहीं होती, ना ही ज्यादा बोलना अच्छी बात है, और अति की भली न चुप अर्थात ज्यादा चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है। अति का भला ना बरसना, जिस प्रकार से बहुत ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती, नुकसानदायक ही होती है। अति की भली न धूप,
और ठीक उसी प्रकार से धूप की अधिकता भी अच्छी नहीं होती। अगला दोहा देखते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है देई न बारंबार, तरुबर जय तरुबर तय पत्ता झड़े बहुरी न लागे दार। तो देख लेते हैं हम शब्दार्थ। मानुष, मानुष का तात्पर्य है मनुष्य। बहुरी, बहुरी यानी फिर से या पुनः। तो इसका संदर्भ ये रहेगा बच्चों, प्रस्तुत दोहा नीति के दोहे पाठ से अवतरित है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। तो प्रसंग ये होगा बच्चों यहाँ पर कि इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के जन्म के महत्व को बताया है। तो आइए देखते हैं हम भावार्थ। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ यानी मुश्किल से मिलने वाला, मानुष जन्म है, मानुष यानी मनुष्य, जन्म यानी जन्म। तो इस संसार में मनुष्य का जन्म कैसा है? दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। देई न बारंबार, और ईश्वर जो है हमको मनुष्य बना करके बार बार इस संसार में भेजने वाला नहीं है। जिस प्रकार से तरुवर तय पत्ता झड़े, जिस प्रकार से एक बार वृक्ष से पत्ता जो है क्या होता है, झड़ जाता है, तो पुनः बहुरी न लागे डार, अर्थात पुनः जो है वो उस वृक्ष पर जाकर के पुनः नहीं लग पाता। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये जीवन है, मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो वो फिर से मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस जीवन में हमको अच्छे कार्य करने चाहिए। तो बच्चों ये पाठ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखिए, तुलसी ने मीठे वचन को वशीकरण मंत्र क्यों कहा है ना? तो अभी हमने पढ़ा है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि तुलसीदास जी ने मीठे वचन को वशीकरण का मंत्र इसलिए कहा है क्योंकि मीठे वचन बोलने से बोलने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है और सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है। और मीठे वचन के माध्यम से हम अगर किसी को कोई कार्य बताते हैं तो वो कार्य क्या करता है, सामने वाला करता है और हमारे वश में वो हो जाता है, इसलिए वशीकरण का मंत्र तुलसीदास जी ने मीठे वचन को कहा है। दूसरा प्रश्न है, तुलसी के अनुसार हमें कैसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए? अभी हमने पढ़ा है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा कि तुलसी के अनुसार हमें आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं तो सामने वाले को अगर हमको देखकर खुशी नहीं हो रही है, उनके नेत्र से प्रसन्नता नहीं छलक रही है, तो ऐसे स्थान पर चाहे सोने की ही वर्षा क्यों ना हो, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं गृह कार्य के प्रश्न की ओर। ये गृह कार्य के प्रश्न मैं आप लोग को दे रही हूं, तीन प्रश्न है और इसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो देखिए पहला प्रश्न है, उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति कुसंगति से प्रभावित नहीं होते, इसे समझाइए। दूसरा प्रश्न है, आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मानव के रूप में जन्म को दुर्लभ क्यों बताया है। अब ये तीन प्रश्न हो गए आपके लिए, अब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इसके साथ ही बच्चों आज का ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।